हेलो फ्रेंड्स, दुर्गा किचन में आपका स्वागत है। आज हम आटे के लड्डू बना रहे हैं, इसे पंजाबी पिन्निया भी कहते हैं। हम ड्राई फ्रूट्स के साथ और ये शक्कर डालेंगे, गुड़ वाली शक्कर, इसके साथ हेल्दी लड्डू बनाएंगे। तो आइए, क्या-क्या चीज़ें चाहिए लड्डू के लिए देख लेते हैं। तो मैंने ये 500 ग्राम आटा लिया हुआ है, ये 2 बड़े कप आटा है, और ये मैंने एक पूरा बाउल भर के मैंने शक्कर ली हुई है, ये गुड़ वाली शक्कर है। तो मैंने ये 500 ग्राम आटा में मैं इसे 400 ग्राम 450 ग्राम मीठा डालूंगी। आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि गुड़ है तो ये थोड़ा सा अच्छा मीठा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और कुछ ड्राई फ्रूट्स देख लेते हैं। तो मैंने ये कुछ हाफ कटोरी अखरोट लिए हुए हैं, और ये कटोरी ये मखाने हैं, एक कटोरी मैंने ये ली हुई है किशमिश, खरबूजे के बीज लिए हुए हैं, आप तरबूज के बीज भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास सीड्स हो वो ले सकते हैं, एक कटोरी बादाम है, और ये हाफ कटोरी मैंने ली हुई है गोंद, और एक कटोरी काजू है। तो बस घी लिया हुआ है मैंने, जितनी ज़रूरत होगा उतना यूज़ करेंगे लड्डू के साथ। तो बनाना स्टार्ट करते हैं पंजाबी पिन्नी, जो कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, रेसिपी को पूरा देखें। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक छोटी सी कढ़ाई रख दी है, तो सबसे पहले मैं ये बीज को थोड़ा सा रोस्ट करूँगी, इन्हें भून लेते हैं, अच्छा से इसमें खुशबू आने लगे तब तक हम इसे भून लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी नमी होती है ड्राई फ्रूट्स में, तो सारी चीज़ों को रोस्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छे से चटकने लगे हैं बीज हमारे, तो हम इसे निकाल लेते हैं। तो उसी पे कढ़ाई में मैं डाल दूंगी ये थोड़ा सा घी, 1 चम्मच घी डाल दूंगी, और इसे मेल्ट होने देते हैं। तो बस अब घी गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें अब गोंद भूनूंगी। तो मैं इस गोंद को थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, क्योंकि एक साथ इसे नहीं भूनूंगी, कच्ची रह जाएगी, और फ्लेम को स्लो ही रहने दें फ्रेंड्स। अगर आपने तेज फ्लेम रखी तो ये ऊपर से भुन जाएगी, लेकिन अंदर से वो चिपकी चिपकी रह जाएगी। तो गोंद को हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पे अच्छा क्रंची होने तक इसे भूनना है, जो अच्छे से फूल जाए, अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो बस इसे हम भून लेते हैं, इस तरह से निकाल लेते हैं, और जब ये भुन जाती है फ्रेंड्स, तो आप इसे दबा के देख सकते हैं, अगर ये आसानी से टूट जाती है तो ये अंदर से भी भुन नहीं होती है। तो बस इसे हम निकाल लेते हैं, इसे डार्क नहीं करना। तो बस अच्छे से ये भुन गई है, हम इसे निकाल लेते हैं, और इसी तरह से मैं थोड़ी थोड़ी करके ये सारी गोंद 2 से 3 बार में भून लेती हूँ। इसी में हम ये बादाम डाल देते हैं, और इन्हें भी हल्का सा रोस्ट करेंगे, इन्हें ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस हल्का सा ये भुन जाए, और उसके बाद हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे से भुन चुके हैं, तो बस हम इन्हें निकाल लेंगे। काजू भी भून लेते हैं तरह से, और अब ये डाल देंगे हम अखरोट। तो अखरोट डाल के हम गैस को बंद कर देते हैं फ्रेंड्स, इसे हमें ज्यादा ज्यादा गर्म घी की जरूरत नहीं है, बस इसे हल्के घी में रोस्ट करेंगे, और तुरंत हम इसे निकाल लेते हैं इस तरह से, सारे हम निकाल के बाहर करते हैं। और अब हम इसमें ये मखाने लास्ट में डाल देंगे, और इन्हें भी हम घी के साथ भून लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट्स हमने सारे भून लिए हैं, बस किशमिश रह गई है, तो मैं इसे आटे के साथ भूनूंगी, वो भी लास्ट में। तो बस इसे रखते हैं साइड में, और एक रखते हैं बड़ी कढ़ाई, और इसे आटा भूनेंगे उसमें। कढ़ाई मैंने रख दी है, मैंने मोटे तले की कढ़ाई ली हुई है फ्रेंड्स, क्योंकि आटा भूनूंगी, और आटा हमें थोड़ा कम
गैस पे भूनना है जिससे अच्छे से उसमें खुशबू आने लगे और आटा हमारा जले नहीं। तो लड्डू बन रहे हैं तो आटा बिल्कुल खुशबूदार हमें धीरे धीरे से भूनना है। तो मैंने इसमें ये घी ले लिया है मैंने, और अब मैं इसमें डाल दूंगी ये आटा इस तरह से। गेहूं का आटा मैं डाल रही हूँ इसमें, और इसे चलाते हुए अच्छे से मैं मिक्स करते हुए इसे भूनूंगी। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखे फ्रेंड्स, ये आटा जलना नहीं चाहिए नहीं तो लड्डुओं का सारा टेस्ट खराब हो जाएगा। और धीरे धीरे चलाते हुए हम इसे भूनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आटे में अच्छी सी खुशबू आ गई है, और मैंने इसे 20 से 25 मिनट धीरे धीरे से चलाते हुए मैंने इसे भुना है। तो काफ़ी अच्छा आटा भुन के तैयार हुआ है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है भुनने की। तो मैंने गैस को कर दिया है बंद, और अब मैं इसमें डाल दूंगी ये किशमिश, क्योंकि बहुत जल्दी भुन जाती है तो गैस को बंद करके। और इसे काफ़ी गर्म है अभी हमारा ये आटा, तो इसी के साथ हम इसे भून लेंगे। और कढ़ाई भी हमारी काफ़ी गर्म है, तो हम इसे चलाते रहेंगे थोड़ी देर, क्योंकि ये आटा तली में थोड़ा जल जाएगा इस तरह से। मोटे तले की कढ़ाई है तो काफ़ी गर्म है, तो बस इसे मैं थोड़ी देर इस तरह से चलाती हूँ। और उसके बाद मैं इसे एक बड़े से परात में इसे निकाल के तैयार करूँगी। मैंने सारे भुने हुए आटे को एक बड़ी सी परात में निकाल लिया है, तो मैं इसे थोड़ा सा फैला देती हूँ इस तरह से, थोड़ी देर इसे चलाती रहूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने किशमिश में डाली थी तो काफ़ी अच्छे से फूल गई हैं, लेकिन जली नहीं है। तो बस जब भी आपको इन्हें भूनना हो तो इसी के साथ में डाल दें, और इसे थोड़ी देर इस तरह से चलाते रहेंगे और फैला देंगे, जिससे ये थोड़ा ठंडा हो जाए। और जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम अपने ड्राई फ्रूट्स कट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें कूट के इसे डाल रही हूँ। मैं इसे ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाऊँगी, तो मैं इसे एक एक करके इसके छोटे छोटे से टुकड़े करूँगी इस तरह से। एक एक करके मैं इसे डालती जाऊँगी, और हल्का सा मैं इसे क्रश करूँगी, तो इस तरह से कूट लेती हूँ। ये देखिए, मैंने काफ़ी मोटा मोटा रखा हुआ है। अगर आप बुजुर्ग हैं, आपके घर पे कोई बच्चे हैं, तो आप इसका पाउडर बना के भी ऐड कर सकते हैं, जिससे दांतों की प्रॉब्लम होती है वो नहीं खा पाता, तो आप इसका पाउडर बना के लड्डुओं में ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे इस तरह से रख रही हूँ, तो बस इसे निकाल लेती हूँ एक बाउल में। और इसी तरह से मैं ये बादाम को भी थोड़ा सा क्रश कर लेती हूँ, इस तरह से डाल देती हूँ। और इसे भी बड़े बड़े टुकड़ों में थोड़ा क्रश कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स मैंने सारे थोड़े दरदरे मोटे से क्रश कर लिए हैं, तो मैं इसमें इसे डाल देती हूँ। और इसमें डाल देंगे ये खरबूजे के बीज और गोंद। गोंद मैंने छोटी छोटी सी थी, इसलिए मैंने क्रश नहीं की। अगर आपके पास बड़ी बड़ी है तो आप उसे थोड़ा सा दो दो टुकड़ों में, तीन तीन टुकड़ों में कट कर सकते हैं, बारीक क्रश कर सकते हैं। तो जब लड्डुओं में ये एक एक बाइट में आएगी तो ये बहुत बढ़िया टेस्ट देती है। तो मैं इसे इस तरह से ही रख रही हूँ, और लुक भी लड्डुओं का बहुत ही अच्छा आता है। तो बस मैं इसे मिक्स कर देती हूँ, और डाल दूंगी मैं ये गुड़ वाली शक्कर। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ फ्रेंड्स, आप इसे जैसा मीठा खाना पसंद करते हो आप उसी हिसाब से इसे डालें, और इसे सारी चीज़ों को करेंगे मिक्स, क्योंकि मिक्सचर हमारा अभी गर्म है, तो बड़े आसानी से हम इसके लड्डू बना सकते हैं, और आसानी से ये मिक्स हो जाएगा, क्योंकि सर्दी का सीजन है, ठंडा होते ही ये टाइट होने लगेंगे। तो अभी ये गर्म गर्म में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो मिक्स कर देते हैं सारी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब अभी काफ़ी गुनगुना है, तो
आसानी से ये मिक्स हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हाथों से ही इसे अच्छे से होना पड़ेगा, मिठास इस लड्डुओं की सारे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद लड्डू बनाना स्टार्ट करूँगी। दोनों हाथों से ऐसे मलते हुए, ज़्यादा दबाव ना डालें और हल्के हाथों से इसे मलते हुए चारों तरफ से इसे मिक्स कर लेते हैं। देखिए मैंने सारी मिक्सचर को अच्छे से मैश कर लिया है, तो बस अब मैं इसे इस तरह से देखती हूँ। लड्डू आसानी से बन रहे हैं। अगर आपको सूखा सूखा लगे तो आप इस टाइम पे, क्योंकि ये काफ़ी अभी गर्म है, तो आप इसे इसमें 2 से 3 चम्मच घी डाल के और इसे सेट कर सकते हैं। तो मैं लड्डू आसानी से बन रहे हैं, इसे ज़रूरत नहीं है, आप छोटा बड़ा साइज जैसा भी आप लड्डुओं का रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो इस तरह से मैं लड्डुओं को तैयार कर लेती हूँ। इस तरह से सारे लड्डुओं को तैयार करूँगी, एक एक काजू का टुकड़ा लेके और इस पे इस तरह से दबाते हुए। ये देखिए लड्डुओं को इस तरह से सारे तैयार करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पंजाबी पिन्नियाँ बनके रेडी हैं। आटे के लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हुए हैं लड्डू, और उतने ही ज़्यादा हेल्दी हैं। तो आप इस लड्डुओं की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। कमेंट में मुझे बताइए कि पिन्नियों की रेसिपी आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरी इस लड्डू की रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर कीजिए। थैंक यू।